अनिल जी, जो हाउसिंग फाइनेंस में जो कैनरा बैंक की सब्सिडरी है कैनफिन होम्स, हमको ये स्टॉक काफी पसंद है। ठीक है, पहले तो फंडामेंटल्स इस कंपनी के बहुत बढ़िया है। एसेट क्वालिटी 1% से बिलो है। एडवांसेस ग्रोथ करीबन 17-18% इस साल बढ़े थे। आरओई करीबन 20% है। और कल जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि पीएम आवास योजना पे 3 करोड़ घर वो ये करेंगे, तो ये अनाउंसमेंट मुझे लगता है कहीं ना कहीं अफोर्डेबल सेगमेंट और जो बिलो द इनकम, जो बिलो इनकम वाले, जो लोअर इनकम वाले जो लोग हैं, इसका फायदा डेफिनेटली जो बड़े फाइनेंस कंपनीज है जो हाउसिंग फाइनेंस को कैटर करते हैं, वहां पे डेफिनेटली कहीं ना कहीं बेनिफिट जरूर देखने को मिलेगा। ओवरऑल जो प्राइस टू बुक का रेशियो भी है वो काफी अट्रैक्टिव है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं 850, 890 का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छा विकल्प हो सकता है, अगर किसी का नजरिया कम से कम 6 से 12 महीने की अवधि है। तो ये मेरी तरफ से आज का पिक रहेगा, और आने वाले मेरे ख्याल से 6 से 8 महीने के लिए भी अगर कोई पोजिशनल बाय करना चाहता है तो ग्रेजुअली इसमें एक्युमुलेशन करना चाहिए। डेफिनेटली शॉर्ट टर्म के लिए इनफैक्ट दीपांशु थोड़ा सा नेगेटिव सरप्राइज जरूर है, क्योंकि क्लियरली हमको देखना पड़ेगा कि कौन से ऐसे पैरामीटर्स है या कौन से वजह से ये डाउनग्रेड आ गया, बिकॉज ये खबर मार्केट बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। मुझे लग रहा है कि देखिए, नतीजे की अगर ट्रेंड देखे तो सारी एग्रोकेमिकल कंपनी जैसे सुमिटोमो हो गया, दूसरी कंपनी जैसे रैलीज हो गई, इन्होंने क्लियरली कहा था कि इस साल इन्वेंट्री का जो प्रॉब्लम पिछले साल था वो इस साल नहीं है। इनफैक्ट सुमिटोमो ने नंबर्स भी काफी अच्छे दिखाए थे। तो वो पॉइंट से मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक थोड़ा नेगेटिव खुलेगा, और कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की कॉमेंट्री आने तक, मैनेजमेंट जब तक क्लियर नहीं करता तब तक मेरे ख्याल से हो सकता है स्टॉक थोड़ा अंडर परफॉर्म करे। तो मैं अभी फ्रेश बाइंग सजेस्ट नहीं करूंगा, बट अगर नंबर्स होपफुली पहले क्वार्टर के और दूसरे क्वार्टर के अच्छे होते हैं, क्योंकि नॉर्मली एग्रोकेमिकल कंपनीज में जो फर्स्ट हाफ का परफॉर्मेंस होता है वो काफी दमदार होता है, तो नंबर्स अगर वीक आते हैं प्लस ये फ्रिज का डाउनग्रेड आया है तो इसका मतलब है कि स्टॉक में थोड़ी सी और कमजोरी बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल से आई थिंक अभी तो फिलहाल इसको खरीदना नहीं चाहिए, जिनके पास है वो होल्ड करें। मैनेजमेंट की कॉमेंट्री आने के बाद ही मेरे ख्याल से स्टॉक में एक डायरेक्शनल व्यू देने के लिए इट विल बी बेटर। अभी भी काफी स्ट्रांग है और मुझे लग रहा है कि FY25 भी इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल एसेट क्वालिटी की बात करें, डिसबर्समेंट्स की बात करें, तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये गिरावट कोई फंडामेंटल रिलेटेड इश्यू से है। तो अगर मौका मिले तो डेफिनेटली लोअर लेवल्स पे आपको एक्युमुलेट करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि देखिए, NBFC स्पेस में ये सबसे अच्छा बेहतरीन ग्रोइंग NBFC प्लेयर है। तो डेफिनेटली अगर नजरिया 6 से 12 महीने का टाइम फ्रेम है तो ये वीकनेस को खरीद के थोड़ा सा पोजिशन यहाँ पे एक्युमुलेट करें। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, रेलवे सेक्टर में फोकस वापस आने की उम्मीद है, और ये एक ऐसा स्टॉक है जो दूसरे रेलवे स्टॉक्स के मुकाबले में थोड़ा सा कम परफॉर्म कर चुका था। बट मेरे ख्याल से देखिए, इस साल होपफुली कंपनी वापस अपने ग्रोथ ट्रैक पे आएगी। आई थिंक क्लियरली अगर हम देखें तो ऐसी PSU है जो कैश रिच है, जो इंटरनेट बुकिंग का जो उनका कारोबार है वो बहुत ही प्रॉफिटेबल है, और ये क्वासी मोनोपोली तो चलती रहेगी। रेलवे एक ऐसा सेक्टर है जो मुझे लग रहा है कि शायद बजट में और थोड़े बड़े अनाउंसमेंट्स आने की उम्मीद है। तो डेफिनेटली 1000 रुपये का जो लेवल है वो बहुत समय के बाद आया है, जिनके पास ऑलरेडी है होल्ड करे, और मुझे लग रहा है कि लंबी अवधि के लिए डेफिनेटली इसमें एक छोटी पोजिशन भी बना सकते हैं। बट नजरिया थोड़ा सा लंबा रखें, क्योंकि कंपेयर टू अदर रेलवे स्टॉक ये स्टॉक थोड़ा धीरे चलता है, बट फंडामेंटल्स डेफिनेटली काफी स्ट्रांग है। तो इसमें कोई डाउट नहीं, अगले साल 1.5 साल का अगर नजरिया है तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। नहीं, इनफैक्ट अनिल जी, आपने सही कहा कि देखिए, इन द शॉर्ट टर्म तो ये एक एविएशन मिनिस्ट्री का जो चेंज हो चुका है उसका असर आपको JMR एयरपोर्ट्स पे देखने को मिलेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि देखिए, पिछले क्वार्टर का परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो बहुत ही सिग्निफिकेंट ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट आ चुका है, और मुझे लग रहा है कि ऐसे बहुत कम प्लेयर्स इंडिया में है जो लिस्टेड है, और ये एक ग्रोइंग स्पेस है जहाँ पे हम समझते हैं कि एविएशन जैसे जैसे ग्रो करेगा ऑब्वियसली JMR एयरपोर्ट्स को उसका फायदा मिलेगा। तो अगले 1.5-2 साल का नजरिया कोई रखता है तो मुझे लगता है बहुत अट्रैक्टिव प्राइस है, बट लंबी अवधि के लिए ही इसमें पोजीशन लेनी चाहिए। हो सकता है शॉर्ट टर्म में स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट हो, बट लॉन्ग टर्म में हम काफी पॉजिटिव है, क्योंकि ये स्पेस बहुत यूनिक है, अपॉर्चुनिटी ग्रो करने के लिए भी काफी बढ़िया है, और कॉम्पिटिशन काफी लिमिटेड है। तो ये सारी चीजें JMR एयरपोर्ट्स को बेनिफिट करेगी।